हेलो एंड वेलकम टू नाउलेट्स माई सो फ्रेंड्स एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंसेंट हिस्ट्री एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट बुद्धिज़्म नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में और जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जैनिज़्म है क्या तो इंट्रोडक्शन फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फाउंडर हैं इनके तीर्थंकर कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से सिम्बल्स हैं फिर हम महावीर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे फिर हम देखेंगे कि जो जैन जैनिज़म की फ़िलासफ़ी है जो डॉक्ट्रिन है वो क्या क्या है फिर उसमें हम देखेंगे त्रिरत्ना क्या है थ्री फोल्ड पास जिसकी बात करी गई थी फिर पांच रूल्स एंड रेगुलेशंस, फाइव वोस जो निर्धारित किए गए थे लोगों को फॉलो करने के लिए और फिर हम देखेंगे कि जो महावीर हैं उनकी क्या टीचिंग्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो इस पार्ट को हम शुरू करते हैं इसके बारे में डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो जो जैन वर्ड बना है वो जिन वर्ड से मिलकर बना है जिन जिन मीन्स होता क्या है कॉन्करर तीर्थंकर इज द पर्सन हु कॉन्कर हिज डिज़ायर्स जिसने अपने डिज़ायर्स को कॉन्कर करके अपने कर्मा को अच्छा करके जैन जिन बना है जिन जिसने कॉन्कर किया सब कुछ वो तीर्थंकर है तो देखिए ऐसे 24 तीर्थंकर माने गए हैं जैनिज़्म में अब तक महावीर आखिरी थे उनसे पहले तेईस तीर्थंकर्स आ चुके हैं सबसे पहले कौन थे वो थे ऋषभ देव फर्स्ट अब इनके बारे में पता कैसे चलता है? ये रहा उनका फिगर ऋषभ देव फर्स्ट का तो देखिए इनके बारे में पता ऐसे चलता है कि ऋग्वेद के कुछ हाइम्स हैं उस उनमें इनके बारे में मेंशन करा गया है और साथ ही साथ जो विष्णु और भागवत पुराण है उनमें इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है ऋषभ को ऋग्वेद विष्णु पुराण और भागवत पुराण के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा ऋषभ देव जी जो थे वो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के और उन्होंने इसे फाउंड किया था देखिए जैनिज़्म में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि महावीर ने इसे फाउंड किया था बट जैनिज़्म जो पूरी फिलॉसफी है जो पूरी आइडियोलॉजी है या फिर कह ले जो रिलीजन है वो पूरा चौबीसों तीर्थंकरस के टर्म्स उनके जो अपने टीचिंग्स थे उनको मिला के फाउंड किया गया है तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है देखिए जो महावीर थे वो चौबीसवें थे वो आखिरी थे उनसे पहले जो आए थे वो थे पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ वो ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकर और पार्श्वनाथ जो थे वो ब, आ, बनारस के जो राजा थे द किंग ऑफ बनारस उनके बेटे थे प्रिंस ऑफ बनारस थे और इन्होंने भी अपने परिवार को छोड़ दिया था और जो महावीर थे महावीर का पूरा परिवार पार्श्वनाथ की ही फिलोसफीज़ को पार्श्वनाथ के ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था अब आज की अगर बात करें आज के इंडिया की तो आज इंडिया में राजस्थान और गुजरात का जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा जैन पॉपुलेशन मिलती है तो ये रहा कुछ जैनिज़म के बारे में अब हम देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट थी तीर्थ हंग थे और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं तो देखिए इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी स्टेट पीसीस में क्वेश्चन पूछा गया इससे कि ऋषभ देव को किस सिंबल से डिनोट किया गया था तो बुल से किया गया था फिर साम्भवा को किससे किया गया था तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो उससे अंदाज़ा मिल सकता है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं अजीत के बारे में पूछा गया कभी कभी तो एलिफेंट के सिंबल से उनको दर्शाते हैं फिर इनके बाद देखिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट तो महावीर है महावीर को लायन के सिंबल से आप यहाँ सिंबल देख सकते हो लायन के सिंबल से और पार्श्वनाथ जो थे हुडेड सरपेंट ये रहा उनका सिंबल इस सिंबल से डिनोट डिनोट करते हैं फिर उसके बाद अरिष्ट नेमी के से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो कज़िन ऑफ कृष्ण एंड कौच शंख से इनको डिनोट किया जाता है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे देखिए इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए इसलिए मैंने आपको इन इम्पॉर्टेंट के बारे में बता दिया इनके अलावा विमल हो गए विमल को हॉक के सिंबल से अनंता हो गए अनंता को हॉक हॉक के सिंबल से पॉर्क्यूपाइन फिर धर्मा थंडर बोल्ट, ये रहा थंडरबोल्ट हथियार एक फिर शांति शा, किंग ऑफ हस्तिनापुर एंटीलॉप के तो ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं तो आप इसे देख लेना वैसे तो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उसे आपको बता दिया है दोनों स्लाइड्स में ऋषभ हो गए अजीत हो गए सांभव हो गए और इनके साथ साथ आपके अरिष्ट नेमी हो गए पार्श्व हो गए और महावीर हो गए इनके एसोसिएटेड सिंबल्स हैं इन्हें आप, आपको याद रखना पड़ेगा और इसे रटने की जरूरत नहीं आप जब सिंबल को देखोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा और एक दो बार आप इसे पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर और उनके सिंबल्स अब हम बात करते हैं महावीर के बारे में तो देखिए जो महावीर थे इनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में वैशाली के पास पड़ता है फाइव फोर्टी में ये रहा आपका वैशाली अब देखिए जो इनके पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था हमने बुद्धिज़्म में देखा था बुद्धा बिलोंग करते थे साग क्लैन से साग क्लैन ये रहा सिमिलरली जो आपके महावीर थे वो बिलोंग करते थे जंत्रिका क्लैन से इनके पिता उस जंत्रिका क्लैन के हेड थे और इनकी जो माता थी वो ये जो वैशाली वैशाली अभी हमने देखा वैशाली के जो रूलर थे चेतक किंग उनकी बहन थी हम जब बिम्बिसार के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि बिम्बिसार की आ, का विवाह बिम्बिसार की जो वाइफ थी वो इसी चेतक के इनकी पुत्री थी तो माता के बारे में हमने देख लिया पिता के बारे में हमने देख लिया फिर इनकी वाइफ का नाम योश, यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुज्या था एक पुत्री भी थी इनकी देखिए इन्होंने तीस साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि इनके पिता की जब इनके पेरेंट्स की जब मृत्यु हो गई तो इन्हें इस धरती इस जीवन से विमुख हो गए इनका मन और ये एसेटिक लाइफ जीने की तरफ आगे बढ़ गए तो 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उसके बाद इन्होंने छः सालों तक गोशला मस्करी पुत्रा के साथ इधर उधर घूमे अब मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जब हम आजीविका सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि यही गोसला जी ने ही आजीविका सेक्ट को फाउंड किया है फिर इसके बाद ये घूमते रहे और 12 साल के बाद दैट मीन्स 42 इयर्स के उम्र में इन्हें जम्बिका ग्राम एक जगह पड़ती है यहाँ राजगृह और वैशाली के बीच में ही यहाँ पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी दैट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जैसे कि हमने देखा उसमें निर्माण की वैसे इसमें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो फोर सिक्सटी में पावापुरी एक जगह है राजगृह के पास राजगृह ये रहा आपका मैं जूम कर देता हूँ एक मिनट में इसे इरेज कर ले दो हाँ ये रहा आपका राजगृह यहाँ पड़ता है पावापुरी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी अब हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के बारे में तो देखिए जो जैनिज़्म की डॉक्ट्रिन है वो रही अनेकांतवादा प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवादा तो अनेकांतवादा वादा मीन्स होता क्या है तो देखिए अनेकांतवादा के अनुसार कोई भी एक ऑब्जेक्ट है कोई मैटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है पहला हो गया उसका जो मूल सब्सटेंस हुआ और दूसरा हो गया उसका मोड्स दैट मीन्स पर्याय अगर हम हाथी का एग्जाम्पल दें तो जो सब्सटेंसिव पार्ट है वो ये है कि वो हाथी है वो कभी चेंज नहीं होगा तो एग्जैक्टली exactly जो मूल है वो एक है वो कभी चेंज नहीं होगा जो पर्याय हैं वो अलग तरह के हैं मल्टीपल हैं और पर्याय अगर खत्म भी हो जाता है जैसे कि हाथी का अगर दांत टूट भी जाता है तो वह हाथी ही रहेगा बदलेगा नहीं तो वही बात है पर्याय जो है वो अलग अलग रियालिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं तो अनेकांतवादा का यही कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पूरे संसार में उसकी कोई एक पर्टिकुलर रियलिटी नहीं है वो अलग अलग रियलिटीज़ हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको समझना है तो आप किसी एक चीज़ को समझ के उस पूरे चीज़ को सही नहीं मान सकते इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ में एक स्टोरी कही जाती है जिसमें सात अंधे मनुष्यों को एक हाथी के अलग अलग पार्ट्स को टच करके ये एज्यूम करना रहता है कि ये कौन सी चीज़ है क्या है ये जानवर है तो कौन सा जानवर है और वो सातों अलग अलग पार्ट्स को टच करते हैं और एज्यूम करते हैं अपने तरह से अलग अलग चीज़ें और फिर आपस में झगड़ा करते हैं कि उनकी हुई एज, उनकी एज्यूम की हुई चीज़ ही सही है लेकिन जो एक देख सकने वाला मनुष्य अगर देखता है तो वो जानता है कि ये हाथी है वो रियलिटी समझ सकता है तो वो आदमी जो देख सकता है वो है तीर्थंकर क्योंकि वो सारे सच को जानता है और वो सारे रियलिटीज़ को समझ सकता है सारे सच्चाइयों को जान सकता है तो यही कहने का मतलब है कि अनेकांत वादा यही कहता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी अलग अलग रियलिटीज है अलग अलग उसके पॉइंट्स हैं अलग अलग फैक्टर्स हैं अलग अलग डायमेंशन्स हैं अगर आपको समझना है तो सारे को समझना पड़ेगा तो अनेकांत वादा का ये कॉन्सेप्ट रहा दैट मीन्स मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी फिर सियाद वादा आता है तो सियाद वादा मीन्स क्या तो सियाद वादा कहता है कि जो आपका नया है नया मीन्स नया मीन्स हुआ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट ना मानिए और आपको ये करना है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो दूसरी रियलिटी है अगर कोई और व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो वो किसी और रियलिटी को समझ के दे रहा होगा अगर कोई व्यक्ति अगर इस मान लो हाथी के सूढ़ को टच करके बता रहा है कि ये कुछ और चीज़ है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो आपको क्या करना है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप आपको अपने नया को दूसरे के नया से जोड़ना है रिलेट करना है क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्योंकि अगर आप पूछ को सारे को रिलेट करोगे तभी तो एक हाथी बनेगा तो सारी चीज़ें रिलेटिव हैं कंडीशनल प्रेडिकामेंट प्रेडिकेशन तो सियाध वादा यही कहता है कि आपको अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो उसके आगे आपको मे बी यूज करना पड़ेगा मे बी मे बी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है आप कहते हो ना तो और आपको हर एक एक पॉइंट को कोरिलेट करना पड़ेगा ये बोलता है सयाद वादा फिर नया वादा तो हमने देखा है कि जो आपका अपना पर्स्पेक्टिव नया मीन्स अपना पर्स्पेक्टिव तो आपको अपना परस्पेक्टिव सच नहीं मानना है कि आपका पर्स्पेक्टिव ही केवल सच है क्योंकि उसके अलग भी पॉइंट्स हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के अलग भी सच्चाइयाँ हो सकती हैं और सारी चीज़ें मिल ही एक सच्चाई बनेगी एक सब्सटेंसिव पार्ट बनेगा तो ये रहा नया वादा फिर आता है त्रिरत्ना और फिर पंच महाव्रता और अहिंसा तो देखिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसका मतलब यही है कि आपको अपनी लाइफ में अहिंसा को फॉलो करना है साथ साथ पंच महाव्रत को लेके त्रिरत्ना के, के पथ पे चलना है और कैसे चलना है तो आपको अपना एक पर्सपेक्टिव लेना है उस पर्सपेक्टिव को दूसरे पर्सपेक्टिव से कोरिलेट करना है और इस कोरिलेशन के थ्रू आप अनेक पर्सपेक्टिव को समझ के असली नॉलेज को समझ सकते हो दैट मीन्स तभी आप पूरे हाथी को जान सकते हो तो ये रहा पूरा कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट देखिए ये कॉन्सेप्ट कहीं दिया नहीं है किसी बुक में इसे मैंने अपने एनालिसिस पे आपको समझाया है फिर अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं पंच महाव्रता के बारे में तो ये रहा आपका त्रिरत्न तो देखिए त्रिरत्ना कहता है कि किसी भी एक मनुष्य को अगर अपने बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति पाना है तो त्रिरत्ना के पाथ पे चलना होगा उसमें पहला आता है राइट right फेथ सम्यक दर्शन कि किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले आपको उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा पड़ेगा दैट मीन्स पहले से ही आप उसके लिए कोई छवि मत बनाओ कि ये ऐसा होगा नहीं आप उसको सुनो देखो अगर फील कर सकते हो अगर स्मेल है तो उसको सेंसेस से फील कर सकते हो तो फील करो फिर एनालाइज़ करने के बाद आप उसके बारे में अपनी बिलीफ को जनरेट करो जब हम इथिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देख के मोदी जी के पॉइंट ऑफ़ व्यू को देख के राहुल गांधी जी के पॉइंट ऑफ़ व्यू को देख के अपना एक बिलीफ सिस्टम जनरेट करते हैं और वो जो बिलीफ को हम आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं तो उस एनालिसिस के ऊपर नॉलेज क्रिएट करता है कॉग्निशन बनता है और जब उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो विजडम क्रिएट होता है तो एग्जैक्टली यही वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि आपको पहले फेथ जनरेट करना है उसके बाद आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो छः पॉइंट्स पे इस पूरे संसार में ये जो पूरा संसार है वो छः सब्सटेंसेस से मिलके बना है और नॉट ट्रुथ हैं इस यूनिवर्स के तो आपको उस छः पॉइंट ऑफ व्यू छः डायमेंसन पे एनालिसिस करना है ये जो एनालिसिस करेंगे आप जब उस एनालिसिस को करोगे और उससे इंटरेक्शन करवाओगे आपस में को करके देखोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी राइट नॉलेज और जब उस राइट right नॉलेज को आप उस पांच वॉस जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे पांच वॉस मीन्स जो पांच प्रतिज्ञाएं पांच प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके थ्रू जब इम्प्लीमेंट करोगे उस पाथ पे चलोगे तब आप बैड कर्मा अपने बैड कर्मा को छोड़ के गुड कर्मा को एडॉप्ट करोगे और तब आपको अपने सोल का रेनाउंशिएशन मिलेगा आपको कैवल्य मिलेगा तो ये रहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र अब हम देख लेते हैं ये सिक्स सब्सटेंसेस हैं क्या तो देखिए सिक्स इटर्नल सब्सटेंसेस तो कोई भी सब्सटेंस है वो दो चीज़ से मिलकर बना है जीव बायोटिक और एबायोटिक आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में जीव और अजीव एक तो जो जीवित हो गई और एक नॉन लिविंग हो गई सोल और नॉन सोल और ये जो अजीव चीज़ है ये पांच चीज़ों से मिलकर बनी है पहला हो गया स्पेस फिर मैटर फिर मीडियम ऑफ मोशन क्योंकि कोई भी एक मैटर है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें पार्टिकल्स मोशन में रहते ही हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने देखा ही है मीडियम ऑफ मोशन मीडियम ऑफ रेस्ट और टाइम कि कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में होती है तो यही रहा आपका टाइम और स्पेस तो ये है सिक्स इटर्नल सब्सटांसेस इसके बारे में हम काफ़ी ब्रीफली देखते हैं फिर हम देख लेते हैं कि जो पाँच इंपॉर्टेंट वोस हैं या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं तो पहला हो गया सत्य अहिंसा आस्थे मीन्स चोरी नहीं करना है फिर ब्रह्मचर्य मीन्स आपको अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करके एक एसेटिक लाइफ जीनी है एक योगिक लाइफ जीनी है और अपरिग्रह अपरिग्रह मीन्स आपको मेटेरियल जो चीज़ें हैं कि आराम करना है खूब पेट भर खाना है पड़े रहना है दिन भर ये सब चीज़ों को छोड़ के किसी मनुष्य का मोह त्याग करके अपने घर को छोड़ के एक एसेटिक एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीनी होगी तभी आप कैवल्य को प्राप्त कर सकते हो अब हमने जो नाइन ट्रुथ देखे थे यूनिवर्स के वो रहा बंद कि आपके जो कर्मा है आपके बैड कर्मा आपके सोल को बांध देते हैं और निर्वाण कैवल्य नहीं देने देते फिर सामवरा सामवरा मीन्स जो फ्लो ऑफ कर्मा होता है उसके बीच में रुकावटें कौन कौन सी आती हैं फिर अस्त अस्तव द तो फ्लो ऑफ कर्मा फिर पाप पाप जो परफॉर्म करते हो पुण्य हुआ जो अच्छे काम करते हो फिर अजीव नॉन लिविंग मैटर फिर जीव लिविंग मैटर और सोल जो आपका सोल है फिर मोक्ष आपको मिलता है निर्वाण की प्राप्ति करते हो और निर्जरा आपका जो कर्म है वो उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है तो ये नौ सच्चाइयाँ हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म देखिए ये काफ़ी ब्रीफली मैंने डिस्कस करा क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आपको जानने की जरूरत है ही नहीं आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पाँच प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे अब आता है कि टीचिंग ऑफ महावीर महावीर जी ने क्या क्या चीज़ें ऐड की क्योंकि हमने देखा पहले ही स्लाइड में देखा कि जो जैनिज्म है वो चौबीसों तीर्थंकर के प्रिंसिपल्स पर चौबीसों तीर्थंकर के आइडियोलॉजीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यूज पे बना हुआ है तो इसमें महावीर जी ने भी कुछ अपना ऐड किया होगा तो महावीर जी ने ब्रह्मचर्य को ऐड किया था फाइव वॉस में उसके साथ ही साथ महावीर जी इस को फॉलो करते थे और उनका कहना था कि कोई भी एक जो चीज़ है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है सोल और मैटर हमने देखा ये भी कि मैटर जो है और फिर सोल है और जो सोल है आपका इटर्नल है वो यूनिवर्सल है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और मैटर परिशेबल है वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि त्रत्ना पे चलना ही है और पांच वोस को लेना ही है उसके साथ उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो कर्मा है तो क्योंकि बैड कर्मा आपको बॉन्डेज में बांधता है मोह में डालता है पीपल्स की पीपल का मोह प्लेस का मोह ऑब्जेक्ट्स का मोह आपको आईफोन का मोह है तो आप आईफोन को छोड़ नहीं सकते हो मोबाइल छोड़ ही नहीं पाओगे तो पढ़ोगे कैसे तो ये जो आपके बैड कर्मा है वो बॉन्डेज क्रिएट करते हैं तो उसके लिए उसको दूर करने के लिए आपको गुड कर्मा करना पड़ेगा गुड कर्मा आप कैसे करोगे तो आपको जैसे हमने देखा त्रिरत्ना पे चलो फाइव वोस को फॉलो करो उससे क्या होगा कि आपका जो सोल है वो शाइन करेगा चमकेगा फिर उससे क्या होगा सोल चमकेगा तो क्या होगा कि आपको लिबरेशन मिलेगी कि आप सारे मोक्ष को त्याग कर पाओगे कैवल्य धारण कर पाओगे और आपका सोल जो वो परमात्मा बनेगा परम आत्मा परमात्मा मीन्स परमात्मा, परमात्मा वो सबसे प्योर सोल होगा वो पूरे दुनिया को रिडायरेक्ट करेगा कि आप इस पाथ पे चलो आप अपना बेसिकली आप एक तीर्थंकर बनोगे इनके कहने का मतलब था तो ये रहा उनका एक सिंबल जिसमें म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ ऑल बींग्स फिर नॉन वायलेंस को फॉलो करो और बुद्धि सॉरी जैनिज्म के अनुसार ये जो ऑब्जेक्ट है जो लिविंग लिविंग थिंग्स हैं ये चार प्रकार की हेवन हो गया ह्यूमन हो गया एनिमल हो गया और हेल हो गया ये चारों चीज़ें आपको फॉलो करते हुए अपने माइंड में रखते हुए राइट फेथ राइट कॉन्डक्ट और राइट right नॉलेज को फॉलो करना है तो आपको अपने सॉल का लिब्रेशन मिल पाएगा तो ये रहा टीचिंग ऑफ महावीरा और ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट फिलोसफी ऑफ जैनिज्म के बारे में अब अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लिटरेचर कौन कौन से हैं जैनिज्म के फिर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बुद्धिज़्म और जैनिज्म में डिफरेंस क्या है और इस तरह से हम पूरे जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को कॉन्क्लूड करेंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करें और हमारे एक एप्लीकेशन है नॉलेट्स का आप गूगल प्ले स्टोर पर विज़िट कर सकते हो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे आप वहाँ से विजिट कर सकते हो डाउनलोड करो आ, आपको वहाँ पर काफ़ी इनोवेटिव तरीके से यूनिक वे में स्लाइड्स के थ्रू करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्सन उसके साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहाँ मिलेंगे कम शब्दों में ताकि आप इजीली उसे लिख सको कम शब्दों में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हो तो आज के इस वीडियो में बस अपने इतना ही रहने देते हैं चलिए फिर कल मिलते हैं